हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू आवर डेली गार्डन ब्लॉग सीरीज़। ये देखिए हमारे तुलसी जी, कितना हरा भरा हो गया। और अभी यहाँ वापस बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो प्लांट्स में देखिए पूरा गीला गीला नज़र आ रहा होगा। ये हमारा रोज़ की कटिंग वाला प्लांट है, प्रॉपरली ग्रो कर गया। और ये हमारे पिंक का भी लगाए हैं थोड़ा सा। और इधर है हमारा भिंडी का प्लांट। ये देखिए यहाँ भिंडी लगी है, इधर ये भिंडी लगी है, इधर भिंडी लगी है, इधर भी देखिए हमारी भिंडी लगी हुई है। और यहाँ हमारा शमी का प्लांट है, इधर हमारा बैंगन का भी लगा हुआ है प्लांट। ये इसने भी हमें बहुत सारी हार्वेस्ट दी और हमें कंटिन्यूसली हार्वेस्ट देता रह रहा है। ये हमारा है रोज़ का कटिंग से लगाया प्लांट। और देखिए इसमें प्यारे प्यारे छोटे से रोजेज बन रहे हैं। गोलियस लगाए हैं और ब्यूटीफुल सा फूलिज मनी प्लांट है। देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ क्रिसैंथेमम है, ये देखिए हमारा वाइट क्रिसैंथेमम, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है ये। इधर हमारे कुछ लक्ष्मी कमल है, और ये भी हमारा वाइट रोज़ का प्लांट है। और यहाँ पर भी कुछ लक्ष्मी कमल, और ये लेमन का हमारा एयर लेयर प्लांट जो हमने एयर लेयर करके बनाया था। और इधर हमारा कड़ी पत्ता, देखिए ट्री कितना बुशी सा प्यारा मोटा, बहुत ही प्यारा सुंदर नज़र आ रहा है। और इधर हमारे मैरीगोल्ड्स हैं कुछ। और यहाँ हमारा लौकी का प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए लौकी का प्लांट नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पुदीना भी लगा है हमारा, थोड़ा सा प्यारा ग्रोथ देखिए कितनी प्यारी है। और एक और हमारा ये बैंगन का प्लांट है जिसमें कुछ रोज़ की मैंने कटिंग्स लगाई थी। इजीली कटिंग से ग्रो कर जाता है, और मैंने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं कटिंग से। और मेरे टिप्स आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको भी आसानी होगी अपने घर में फ्री में एक गार्डन बनाने के लिए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये टिप्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये देखिए हमारे लक्ष्मी कमल लगे हैं कितने प्यारे। ये हमारा वंडरिंग जीव हैंगिंग प्लांटर है जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। बाकी आपको जितने भी टिप्स चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।